दोस्तों नमस्कार, भिवानी के लोक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भिवानी राजस्थान के बॉर्डर पर है और एक जमाने में उत्तर भारत में सराफा यानी कि ज्वेलरी और कपड़े के काम के लिए पूरे उत्तर भारत में भिवानी की पहचान रही है। सारे उत्तर भारत से ग्राहक भिवानी आया करते थे शादी ब्याह की परचेजिंग करने के लिए। आज सौभाग्य है कि वह साड़ी वह कपड़ा जो भिवानी से जुड़ा रहा है, उस साड़ी उद्योग के इंसाइक्लोपीडिया भिवानी के लोग कार्यक्रम में मेरे सामने हैं और नाम होता है विपिन भगेरिया। विपिन भगेरिया ने एक ब्रांड एस्टेब्लिश किया है रूप लक्ष्मी साड़ी के नाम से। यह परिवार भिवानी से यात्रा करते करते और दिल्ली पहुंच गया और आज एक बड़ी पहचान बनाई है। आइए चर्चा करते हैं श्री विपिन भगेरिया से। नमस्कार विपिन भाई, मेरा सौभाग्य है। नमस्कार विपिन भाई। लाला राम स्वरूप दास भगेरिया परिवार आपके दादाजी और भिवानी में उन्होंने अपना बिजनेस अपना स्टार्ट किया और भिवानी से यात्रा करते करते आप लोग दिल्ली पहुंच गए। भिवानी के लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं आपको, बहुत लोग जानते भी हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं जानते हैं, तो अपने परिवार के बारे में थोड़ा सा इतिहास के बारे में परिवार के बारे में बताएं आप। मेरे दादाजी रामस्वरूप दास जी वगैरिया, हम लोग गली स्वामी कृपा राम हालू बाजार भिवानी में रहते हैं जी। मेरे फादर का नाम विजय कुमार जी वगैरिया जी। हमारा भिवानी मुरारी सिनेमा होता था फेमस, उसके पड़ोस में एक लकड़ियों की फैक्ट्री होती थी, लकड़ी के बॉक्स बनते थे जो भिवानी टेक्सटाइल मिल BTM के अंदर पैकिंग मटेरियल में सारी हमारी सप्लाई थी। अच्छा। पहले सारा सामान लकड़ियों के ही बॉक्स में पैक होता था, लकड़ी के ही डंडों पे कपड़ा लिपटता था, लकड़ी के फट्टों पे ही कपड़ा लिपटता था। बिल्कुल ठीक है। फिर चेंजिंग आए, सारी पैकिंग कॉर्डोबटेड जो बॉक्स होते हैं उसके अंदर गत्ते के बॉक्सों में स्टार्ट हो गई, तो वो काम हमें बंद करके पिताजी को दिल्ली आना पड़ा। हमने दिल्ली ट्रांसपोर्टेशन का काम स्टार्ट किया चाचा जी के साथ। चाचा जी मेरे विनय भगेरिया जी हैं। तो हमने जो ट्रांसपोर्टेशन थी वो स्पेशलिटी थी साड़ियों से ही रिलेटेड, हम बनारस और कलकत्ता की बनी हुई साड़ियों का ट्रांसपोर्टेशन का काम अपने पास था पूरे नॉर्थ इंडिया का। अच्छा। और उसी दौरान मैं छुट्टियों के अंदर दिल्ली आता था तो एक दो बार साड़ी की बड़ी दुकानों में जाने का काम पड़ता था, तो भगवान से ये इच्छा रहती थी कि हम भी कभी ऐसे बड़ी दुकान करें। तो किसी कारणवश मेरे को सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम देके बनारस मेरी जो बुआ जी रहती हैं जिनका भी काफ़ी बड़ा ब्रांड है सद्भावना इंटरप्राइज के नाम से, श्री सज्जन रतेरिया जी, गोवर्धन दास जी रतेरिया जी। अच्छा। वो भी उन्होंने भिवानी समाज का वहाँ पे अच्छा नाम किया हुआ है। तो वहाँ मैंने 3 साल रहकर साड़ियों के काम की ट्रेनिंग ली, जो मैं मंथली कलकत्ता जाता था एक हफ्ता, वहाँ मैं काम सीख के आया। 3 साल मैंने बहुत अच्छा वहाँ काम सीखा। फिर बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेके मैं दिल्ली नई सड़क जोगीवाड़ा में रूप लक्ष्मी साड़ी के नाम से अपने छोटे भाइयों और अपने परिवार के साथ साड़ी का काम स्टार्ट किया और आज उसका प्रभु की इच्छा से सौभाग्य है जो आपके आगे बैठने का मौका मिला। विपिन भाई, मैंने आपका अभी एग्जीबिशन देखा, आपने 7 Seas 5-star होटल में एक बड़ा एग्जीबिशन साड़ी का लगाया था और मैंने अपने जीवन में साड़ियों का इतना बड़ा कलेक्शन कभी नहीं देखा था। साड़ियों का नहीं, उसमें अदर ड्रेसेस भी थी, लहंगे, साड़ीज, वेडिंग लहंगे, बहुत इंडो वेस्टर्न सब। हाँ, और मैंने इतने बड़े बड़े लोग देखे उस एग्जीबिशन में। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि आप वास्तव में साड़ी की दुनिया के बादशाह हो, इंसाइक्लोपीडिया हो। ये 96 से विद्यार्थी जीवन में पढ़ते पढ़ते आपने कैसे
और ये साड़ी का आपको ये कैसे यात्रा जीरो से हीरो बनने की ये सफलता की यात्रा कैसे चली? बादशाह तो मेरे से बड़े बड़े बहुत हैं, लेकिन भगवान की कृपा से कुछ बड़े लोगों को देख के, अच्छे लोगों को देख के कुछ करने की मन में थी, तो वो शुरू से उसी हिसाब से और कुछ अलग से करने की मन में थी। एक तो साड़ी का ट्रेडिशनल बिजनेस होता है, एक हमने हर बार ट्रेंड मेकर का काम किया है, जो फैशन में चलना है उसको चलाने का प्रयास किया है, और कहाँ हम कहीं कामयाब भी हुए हैं और अभी भी प्रभु की इच्छा से हम कामयाब हैं और नए नए डिजाइन, नए कॉन्सेप्ट रेगुलर मार्केट में दे रहे हैं। हमारा नॉर्थ इंडिया के जितने भी अच्छे बड़े ब्रांड हैं, साड़ियों के अच्छे शोरूम हैं, दुकानें हैं, सबसे हमारा अच्छा व्यापार होता है। और एक चुनौती आप अपने काम में नहीं देख रहे हैं, आने वाली पीढ़ी तो साड़ी उसको बांधने में कंफर्टेबल नहीं है, वो साड़ी छोड़ती जा रही है। आप देखें मेट्रो सिटीज़ में तो साड़ी कम होती जा रही है, लोग महिलाएं जो हैं वो सलवार सूट में आ गई हैं, मॉडर्न ड्रेसेस में आ गई हैं, यूरोपियन ड्रेसेस में आ गई हैं। कितना बड़ा चैलेंज महसूस कर रहे हैं आप? चैलेंज कोई नहीं है जी, अच्छा। हम लोगों के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं। जिस लेडीज को साड़ी बांधने में दिक्कत होती है, उसको रेडी ड्रेप साड़ी है ना, जैसे पैंट का हुक लगाते हैं, अच्छा। ऐसे साड़ी पहनो और ड्रेप कर लो। अच्छा, ऐसी साड़ियां भी आ गई हैं। कहीं कुर्ती या जींस अभी भी हमारे जो कल्चर है उसके फंक्शनों में अभी भी ट्रेडिशनल ही पहनते हैं, जैसे साड़ी पहने या लहंगा पहने या घाघरा पहने या क्रॉप टॉप पहने। अभी भी इंडियन लुक तो हम शादी में दिखता ही है, तो हमने भी उस अकॉर्डिंग अपने फैशन के अंदर चेंजिंग की है। जो पहनने में जो नई जनरेशन को दिक्कत आती है, उस ढंग के कपड़े बना दिए गए हैं फैशन के अकॉर्डिंग कि वो इजीली पहन सकते हैं, और वो काफ़ी अभी चल भी रहे हैं। विपिन भाई, आपके परिवार में कौन कौन है? अपने बच्चों के बारे में, पत्नी के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे तो अच्छा लगेगा। तीन ब्रदर हैं जी मेरे से छोटे, विवेक बगेरिया, उनसे छोटे विशाल बगेरिया, हम तीनों एक साथ ज्वाइंट बिजनेस है, चांदनी चौक के अंदर नई सड़क जोगीवाड़ा में, और यहाँ दिल्ली में एक साथ ही रहते हैं। बहुत अच्छा। और मेरी पत्नी रेनू बगेरिया, एक समझ लो मेरी कामयाबी के पीछे उसका भी बहुत बड़ा हाथ है जी। वेरी गुड। मैं महीने के अंदर 8 से लेकर 10 दिन तक शुरू के 15-20 साल बाहर रहा हूँ, अपने काम के लिए घूमना फिरना रहता था, उसके सहयोग से ही आज इतना मैं आगे बढ़ा हूँ। और मेरे दोनों भाइयों ने भी मेरा भाई राइट हैंड लेफ्ट हैंड वाला काम करके आज आपके आगे बिठाने लायक बनाया है, उनमें उनका पूरा श्रेय है। पिताजी की हमारी 8-10 साल पहले डेथ हो गई थी, माता जी पिताजी दोनों भैया आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर खूब है। विपिन जी, आप सामाजिक काम के लिए, मैंने जब जब आपको कभी भी देखा है, कभी पीछे नहीं हटते देखा, कोई भी काम कह दिया विपिन भाई को तैयार हैं। राजस्थान रत्नाकर हो, भिवानी परिवार तो खैर आपका अपना परिवार है, वहाँ तो संस्था नहीं है, वो तो आपका कुनबा है भिवानी परिवार मैत्री संघ, तो लेकिन मैंने देखा है कि इसके अलावा भी रामकिशन सेवा मिशन हो या राजस्थान रत्नाकर हो या मानव सेवा संघ हो, सामाजिक कामों में आप हमेशा बढ़ चढ़ कर आपका योगदान रहता है। ये परिवार के संस्कार कह सकते हैं, आपके पिताजी आपके दादाजी ने जो आपको सिखाया है कि समाज के काम में कुछ देना चाहिए, हमेशा करना चाहिए, आपकी जो ये सामाजिक यात्रा रही है, आप मेरे विचार से लायंस क्लब के भी मेंबर हैं, और इस सामाजिक यात्रा का कहाँ कहाँ किस किस संस्था के साथ आपका ज़्यादा जुड़ाव रहा है, कुछ जानकारी देंगे तो अच्छा लगेगा। सर, हमारे जो बड़े भाई आप जैसे जितने भी एक हैं जिन्होंने हमें गार्जियन का काम दिया है जी। उन्हीं के सहयोग और उनके आशीर्वाद से इन संस्थाओं में हम आगे आए हैं, और उन्हीं की गाइडलाइंस में दिया है, हम तो कुछ लेके आए नहीं थे जी, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया तो आप जैसों के पास बिठा दिया, कुछ दे देते हैं, कोई अपने पास तो कोई अलग से कुछ देते भी नहीं। अभी भिवानी में 100 करोड़ रुपए की लागत से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, जिसके अंदर हमारे रामदेव तायल जी ने, वो मेरे सामने आके उन्होंने भी इंटरव्यू किया था, वो एक बहुत बड़ा सपना ले रहे हैं भिवानी में, एक बहुत बड़ा भवन अग्रसेन महाराज के नाम से, एक हॉस्पिटल, एक शिक्षण संस्थान। मेरे विचार से अपने पुरखों
ने जो काम भिवानी में किया था उसके बाद इतना बड़ा काम हमारी पीढ़ी के लोग कर रहे हैं, 100 करोड़ रुपए लगा के इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उससे भी जुड़े हैं क्या आप? ये हमारा सौभाग्य है जी, तायल जी ने हमारे को जोड़ा। अरे वाह। हम 4 ब्रदर हैं, चारों उसमें जुड़े हैं। वाह वाह। और उन्होंने ये हमारे को सौभाग्य दिया जी, जुड़े जी। जी विपिन जी, आप तो ये साड़ी के काम में बहुत आगे ले गए इस काम को, अब आने वाली पीढ़ी, आपके भाई के बच्चे भी हैं और आपके भी 2 बच्चे हैं और आपकी बेटी ने ड्रेस डिजाइनिंग का कोर्स किया है जैसा मुझे जानकारी है, कर रही है, तो ये इन बच्चों का भी आपके व्यापार में कुछ रुझान है या नहीं है, क्या लग रहा है बच्चों के देख के? हम लोग कोशिश ये करेंगे ऐसा प्लेटफॉर्म दे, समय के अकॉर्डिंग चेंज किया हुआ। ये नहीं है कि ट्रेडिशनल जो काम चलता था वही बेटा आप संभाल लो, जैसा जब तक वो काम संभालेंगे उससे 2 साल एडवांस उनको प्रोग्राम बना के देंगे कि जो कल आने वाला है, कोशिश यही है और आगे जितना कामयाब होते हैं। आने वाले समय में ये पोर्टल ऑनलाइन ट्रेडिंग शुरू हो गई, दुकानें जो है बेमानी हो रही है, नई पीढ़ी के लोग सब कुछ ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं, क्या साड़ी का व्यापार भी ऑनलाइन करना संभव है? चुनौती का भी सामना हम अपने मन में करके बैठे हैं। अच्छा। तैयारी कर रखी है। okay. आज हम लोग भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, ऑनलाइन वेबसाइट पे अपनी सारी तैयारी कर रखी है। अभी तो ट्रेडिशनल बिजनेस चल रहा है। okay. लेकिन कल ना कोई ब्रांड का है वो उसको पैरेलल मैनेज करते हुए चल रहे हैं, जिस दिन भी वो अगर इस टाइप की चुनौती है तो उसकी पूरी तैयारी है और हम लोगों ने अपनी तैयारी कर भी रखी है। साड़ी उद्योग में, साड़ी व्यापार में पहले भिवानी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हुआ करता था एक जमाने में, और भिवानी के लोग साड़ी के व्यापार को एक तरह से लीड किया करते थे, बनारस के बाद भिवानी का ही नाम हुआ करता था, अब कहीं भिवानी का नाम थोड़ा बहुत बचा है या अब नहीं है? नहीं है, भिवानी के अंदर अभी कलकत्ता के अंदर भी अगर आप टॉप 10 में लोगे तो उसमें भिवानी वाले हैं, बनारस में लोगे तो उसमें भिवानी वाले हैं, सूरत में लोगे तो जी आप उसके अंदर भी हैं। अच्छा। और दिल्ली के अंदर भी बहुत ज़्यादा भिवानी वाले हैं। हाँ, भिवानी ऐसा नहीं है, भिवानी फैशन में भी हर जगह आगे है, कई अच्छे ब्रांड हर अलग अलग चीज़ों में हैं। अब आपका भिवानी से आना जाना लगाव रहता है, भिवानी से क्या आपकी कनेक्टिविटी टूट गई है, क्या है? भिवानी तो सर पूरे शरीर में है। अच्छा। जब मौका लगे भिवानी जा आते हैं। वाँ वाँ वाँ। और खूब आना जाना है और खूब भिवानी का आशीर्वाद है। बहुत अच्छा। अब आने वाले समय में जो हालत मोदी साहब ने कर दी है व्यापार की, नोटबंदी, कपड़े में GST भी लगा दिया उन्होंने, तो ऐसी हालत में एक व्यापारी, एक सफल व्यापारी होने के नाते कितनी बड़ी चुनौतियां आप अपने सामने अनुभव कर रहे हैं? तो जी मैं तो मोदी जी की नीतियों का एक बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ। अच्छा। जो मोदी जी ने किया, मैं बनारस से एक चीज सीख के आया था, 100% काम सिस्टम में। अच्छा। और वो चीज हमने अप्लाई की, हमारे मार्केट में अपने ढंग से अलग से किया। अच्छा। और अगर मेरे अलावा जो लोग मान रहे हैं और सारे मान जाएं तो देश हमारा है ना बहुत आगे हो जाएगा। मैंने कम से कम 20 से 25 कंट्रियों की यात्रा की है। मैं भी चाहता हूँ कि मेरा हर देश वाला, हर दुकानदार वैसा बने, मेरे देश में भी वैसी तरक्की हो, बहुत अच्छा, वैसी आबो हवा हो, प्रदूषण मुक्त हो, वो एक सफल नेतृत्व के द्वारा ही हो सकता है। देश के लोग या मेरे भाई लोग समझें तो हम इस चीज में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हमें सफल आदमी का साथ देना पड़ेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। विपिन जी, भिवानी के लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और वो लोग जो कैरियर अपना सोच रहे हैं नया बनाने के लिए, और वो हो सकता है उनकी भी कुछ साड़ी में कोई पृष्ठभूमि ना रही हो, तो जाते जाते आप इस कार्यक्रम में चलते चलते भिवानी के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो देखो भाई साहब बहुत छोटा हूँ, संदेश तो यही कि बच्चों को, मेरे भाइयों को, भाई इंडिया में बिजनेस की कोई कमी नहीं है, सोच बड़ी रखेंगे और करने का प्रयास करेंगे, भिवानी वालों के लिए और पूरे देश के लिए करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा है। मैं भी चाइना एक हर साल वैसे देखने घूमने जाता हूँ उस देश को, कुछ सीखने के लिए,
तो अभी हम बहुत पीछे, हमारे पास बहुत स्पेस है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और नई जनरेशन जरा सा फोकस कोई भी चीज़ में करे, समय लगेगा, कामयाब जरूर हो जाएगी। तो दोस्तों आपने देखा श्री विपिन भगेरिया, कुछ लोग विपिन नाम को शायद जानेंगे भी नहीं, समझेंगे भी नहीं, तो उनको बता दूं इनका लोकप्रिय नाम है डब्बू। मैं इस नाम को बोलना नहीं चाहता था, पर मुझे लगा कि डब्बू बोलना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं ये बोलने का मैंने प्रयास किया। विपिन भगेरिया डब्बू, अगर मैं पूरा नाम बोलूं तो, क्या संतुलन है जिंदगी के अंदर? व्यापार में एक्सीलेंट, सामाजिक कामों में एक्सीलेंट, तीन भाइयों का परिवार और तीनों मिलके व्यापार को, परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं, एक्सीलेंट। और भिवानी से कनेक्टिविटी एक्सीलेंट, 100 में से 100 नंबर हर मोर्चे के ऊपर। विपिन भगेरिया का कोई जवाब नहीं सच में। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं दोस्तों, भिवानी परिवार मैत्री संघ के लिए जब जब राजेश चेतन ने या संस्था ने या परिवार ने विपिन का दरवाज़ा खटखटाया, विपिन भाई हमेशा शिद्दत के साथ हाजिर थे। बोलो मेरे जुम्मे क्या काम है, मैं हाजिर हूँ। चाहे बाढ़ आई हो, चाहे कहीं तूफान आया हो, चाहे कोई भी राष्ट्र की बाधा आई हो, विपिन की चेकबुक कभी पीछे रही नहीं, हमेशा वो तत्पर रहे हैं भिवानी परिवार के साथ अपनी सेवाएं अर्पित करने के लिए। और इस कार्यक्रम को मैं यहाँ विराम नहीं दे रहा हूँ, अगले सप्ताह भिवानी के लोग कार्यक्रम में किसी दूसरे व्यक्तित्व के साथ आपके बीच हाजिर रहूँगा। अभी के लिए आपसे आज्ञा लेता हूँ। विपिन भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया।